हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम है रूपा, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। गाइस, तो अगर आप नए हैं देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि प्री मच्योर हेयर ग्रे का कोई सोल्यूशन आप हमें बताइए। आई थिंक काफ़ी लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, तो आज का वीडियो है प्री मच्योर हेयर ग्रे के ऊपर। मैं एक रेमेडी लेके आई हूँ जिसका अप्लाई करने से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा और आपके जो ग्रे हेयर है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो क्या है ये रेमेडी और कैसे इसको बनाना है, इसको जानने के लिए आगे इस वीडियो को देखते रहिए। के डेट में आई थिंक सभी का बाल पक जाता है बहुत जल्दी, और मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी उस समय ही मेरे बाल पक गए थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो प्री मच्योर हेयर ग्रे बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये आजकल और भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कुछ बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर क्यों होता है हमारे साथ ये प्री मच्योर हेयर ग्रे वाला प्रॉब्लम। द बेसिक रीज़न इज़ और हमारी लाइफस्टाइल आजकल बहुत ही गलत तरीके से चलता है। हम लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं अपने बालों के साथ, बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं स्ट्रेटन करने के लिए या फिर कर्ल करने के लिए, और कभी कभार हम गर्मियों के समय 42-45 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे बाल ऐसे खुले रख के निकल जाते हैं, विच इज़ अनदर रीज़न ऑफ प्री मच्योर ग्रे हेयर। और इसके साथ साथ और एक चीज़ जिसको आयुर्वेदा में विपरीत आहार कहा जाता है, वो भी हम काफ़ी हद तक करते हैं। जो विपरीत आहार है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम वो खाना खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। लाइक दूध के साथ आपको कभी भी खट्टा खाना या फिर ज़्यादा मसालेदार खाना, ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और ये दूध के ऊपर ज़्यादा लागू होता है। कभी कभार आपने देखा होगा या फिर आपने खुद किया होगा, आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपने मसालेदार कुछ कचौरी लिया, उसके साथ कुछ सब्जी ले ली और उसके साथ एक ग्लास लस्सी ले लिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली जब भी आप कुछ खाना खाए, कोई भी खाना आप खाइए, फॉर अ सेफ साइड आप अगर दूध पीना चाहते हैं या फिर दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ जैसे पनीर या फिर दही, कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम गैप दीजिए, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा, और उसके बाद दूध वाला चीज़ लीजिए। तो ये जो विपरीत आहार होता है ये और एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे बाल जल्दी से पक जाने के लिए, ये भी ज़िम्मेदार होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ख्याल में रखना चाहिए, और बालों में एक अच्छा सा सीरम ज़रूर लगाना चाहिए जो आपके बालों को प्रोटेक्शन दे। और जब भी आप अपने बालों को स्ट्रेट करें उससे पहले आपको एक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे बालों में लगाना चाहिए, लॉरियल का आता है, उसको आप ले सकते हो। तो इससे आपके बाल थोड़े अच्छे रहेंगे और जल्दी नहीं पकेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा है वो रेमेडी और इसको कैसे बनाना है। सो गाइज, यहाँ पर बस आपको 3 ही इन्ग्रीडियंट लेने हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन से है वो इंग्रेडिएंट। सबसे पहले आपको लेना है हेना। अब यहाँ पे क्वांटिटी मैं नहीं बताऊँगी, आप जितने दिनों के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा कप हेना लिया है। तो एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई को आप आँच पे चढ़ा दीजिए और आँच को धीमी कर दीजिए, और उसमें आपको हेना को डाल देना है। जैसे हम चीज़ों को रोस्ट करते हैं कुछ उसी तरीके से भी हेना को आपको हल्के आँच, गुनगुने जो आँच होता है उसमें हल्का हल्का करके रोस्ट करते जाना है। कुछ टाइम बाद हेना का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा। इसके साथ आपको लेना है इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर बालों को कलर करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये नेचुरली आपके बालों को कलर करता है। तो अगर आप डार्क ब्लैक कलर चाहते हैं तो ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ उसको आप फॉलो करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। क्वांटिटी में आपने हेना लिया है, कुछ उसी क्वांटिटी में आपको इंडिगो पाउडर भी ले लेना है। तो आधा कप अगर आपने हेना लिया है तो आधा कप आपको इंडिगो पाउडर लेना है। सबसे पहले कढ़ाई में हेना को डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, और उसके बाद इंडिगो पाउडर को उसमें डाल दीजिए और रोस्ट कर लीजिए। और इसके बाद आप देखेंगे इनका कलर चेंज होके हल्का ब्राउनिश हो जाएगा, उस समय उसमें आप डाल दीजिए 2 कप आप सरसों का तेल इसमें डाल दीजिए। अगर आप सरसों के तेल के साथ कंफर्टेबल ना हैं तो आप नारियल का तेल भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। तो इसको डालने के बाद इसको हल्के आँच में, एकदम सबसे लोएस्ट फ्लेम जो होता है आँच का, हल्के आँच में आपको इसको ऐसे ही उबलने के लिए रख देना है एटलीस्ट 7 से 10 मिनट। इसके बाद आप देखेंगे सरसों के तेल का जो रंग है ना वो एकदम ब्राउन हो जाएगा पहले, उसके बाद ब्लैक हो जाएगा। जब ये ब्लैक हो जाएगा उस समय आपको थोड़ा सा स्मेल आएगा,
तो आप गैस को बंद कर दीजिए और आपका जो तेल है वो तैयार हो गया है और उसको आप निकाल दीजिए। इसको ठंडा होने के लिए रखिए और इसके बाद इस तेल को किसी भी जार में बंद करके आप रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए ताकि ये बहुत दिनों तक रहे। और यहाँ पे हेना को और इंडिगो पाउडर को हमें छानना नहीं है, तेल के साथ ही हमें इसको रख देना है कि तेल के साथ इंग्रेडिएंट्स को उबालने के बाद आप जितने दिनों तक इसको सोख करके रखेंगे कलर उतना ही अच्छा आएगा, उतना ही डार्क आएगा। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करें इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है मतलब ये, इनको आपको इसके साथ कुछ इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर के तेल को लगा दिया, नहीं, इन इंग्रेडिएंट्स को ऐसे अच्छे करके आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ही इस तेल को आपको लगाना है। लगाने के बाद आप एक कैप लगा के रैप कर दीजिए अपने बालों को ताकि इसके जो स्टेन्स है वो बिस्तर पे चादर पे ना लगे। तो ये और इसको आपको लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा ब्लैक कलर चाहते हैं तो रात में इसको लगा के रख दीजिए, पूरी रात इसको लगाइए, लगा के इसको रख दीजिए और फिर सो जाइए और सुबह उठिए जब आप शाम आपको शैम्पू करना है तो शैम्पू कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो इसको लगा के 2 दिन भी रख सकते हो, कुछ कुछ लोग हेयर डाई को लगा के 2-3 दिन रख देते हैं, तो आप भी लगा के इसको रख सकते हो ज़्यादा कलर के लिए, ज़्यादा और बढ़िया कलर के लिए। लेकिन अगर आप रात में लगा के रखेंगे और सुबह शैम्पू करेंगे उससे भी इसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। ये था मेरा आज का वीडियो नेचुरल हेयर डाई के ऊपर। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है, मेरे भी प्रीमैच्योर हेयर ग्रे का प्रॉब्लम, मैंने भी बताया मेरे यहाँ पे बाल सफ़ेद है, फिर यहाँ पे कुछ बाल सफ़ेद है, तो मेरे भी प्रॉब्लम है, तो मैंने भी लगाया है, अच्छा रिजल्ट आया है। अब भी इसको ट्राई करके फीडबैक मेरे साथ शेयर करो। सो होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो गाइज, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन को कीजिए प्रेस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।